जीता जागता उदाहरण है और उसी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जरा देखिए, जिस नाला में सरिया का उपयोग होना चाहिए था उस नाला में लकड़ी का उपयोग किया गया है, और कोई एक जगह लकड़ी का उपयोग नहीं किया गया है बल्कि जितनी दूर में नाला बना है नाला के ऊपर ढपना बना है उस ढपना पर लकड़िया का उपयोग किया गया है। ये देख सकते हैं, ये देखिए। अब सोचिए कि इसको देखने के बाद शायद से जो है चाइना वाले इंजीनियर, इसके बाद जो है जर्मनी वाले इंजीनियर, जापान वाले, अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले हैं इंजीनियर परेशान हैरान हो जाएंगे। और इसमें दोष किसी इंजीनियर का नहीं है बल्कि उन जनप्रतिनिधियों का से लेकर उस ठेकेदार का है जिन्होंने इस नाले को बनवाया, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख के फंड से बना हो, बीडीसी के फंड से बना हो, या काम करवाने वाले जो है कंपनियों ने किया हो, सबने इसमें जो है अधिकतर फंड किया। ये देखिए, ये नाला की स्थिति है। ऐसा नाला कहीं होता है क्या यार? मजाक बना के रख दिया है। सोचिए कि गांव का ये नाला है और नाला में कितना भ्रष्टाचार किया गया है उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये फट्टा लगाया गया, ये सरिया के जगह फट्टा का उपयोग। कहीं और ऐसे नाला बनता है क्या? शायद से ये टेक्नोलॉजी बिहार में डेवलप है, यही कारण है कि यहाँ पर जो है इस तरीके का नाला बनाया गया फट्टा के ऊपर रोक कर, यानी ऐसे फट्टा रखा गया ऊपर से जो है मोरंग बालू और इसके बाद सीमेंट का उपयोग करके छाप दिया गया है। जरा सोचिए कि इस नाला को क्यों बनाया गया? क्योंकि जो है लोगों को आने जाने में सुविधा हो, पानी बरसात का पानी नाला से सीधा रास्ता में चला जाए। लेकिन जब यहाँ पर से आप एक बार गाड़ी घुमाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार है बाबू? नहीं, कितना दिख रहा भ्रष्टाचार पूरा। अच्छा, कभी ऐसा नाला देखे हो लकड़ी के ऊपर नाला? इसमें सरिया लगना चाहिए था नहीं? लेकिन बिहार के भ्रष्ट सरकारी इंजीनियर, इसके बाद ठेकेदार, जनप्रतिनिधि सब कौन है? सब चोर है। कौन है सब? कौन है? कौन है चाचा? ये नाला अच्छा लग रहा है? ऐसे बनता है नाला? कोई नेता, मंत्री, विधायक, कोई जनप्रतिनिधि, नाला बनवाने वाले ठेकेदार अपने घर का नाला ऐसे बनवाते हैं? गलत बना है कि नहीं? आइए थोड़ा सा बताइए कैसे गलत बना है। आइए, कैसे गलत बना है बताइए जरा। आप लोगों ने विरोध नहीं किया जब ये बन रहा था? इसमें सरिया का उपयोग होना चाहिए, तो आपने विरोध नहीं किया था? हम लोग यहाँ नहीं थे। नहीं थे? ये गलत नाला है कि नहीं? लकड़ी के फट्टे पर नाला बनता है क्या? इसकी मजबूती है कि नहीं? नहीं है ना। लेकिन इसमें जेई से लेकर ठेकेदार, इंजीनियर, इसके बाद जनप्रतिनिधि, तमाम लोगों को घूस गया होगा, कमीशन गया होगा, और काम का 10% सिर्फ और सिर्फ इसमें इस्तेमाल किया गया होगा। अच्छा लग रहा है बाबू नाला आपको? भैया अच्छा लग रहा है? अरे भाग जाइए, भाग जाइए, आप ही बिहार के भविष्य है। आप ही भागिएगा तो बिहार के लिए कौन आवाज उठाएगा? किससे डर रहे इतना भाई? किससे डर लग रहा है? कौन है जो खा जाएगा? जब गलत को गलत नहीं कहिएगा तो कहीं ना कहीं आपका भी आपको परेशान किया जाएगा, और आपके घर के सामने बनने वाला नाला इसी तरीके से बनाया जाएगा। ये देख सकते हैं तो किस तरीके से ये नाला बनाया गया है। एक भी सरिया का उपयोग नहीं है, सिर्फ फट्टे रख के ऊपर से मोरंग और गिट्टी और बालू का लेप लगा दिया गया है, यानी हक कर लेप दिया गया इस नाले के ऊपर। जरा सोचिए क्या स्थिति है। ये देखिए, एक हाथ मारिएगा इसको तो ये फैल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये कौन सा गांव है? कौन सा गांव बाबू? सेवा गांव। कौन सा गांव है? गिद्धौर प्रखंड है चाचा, गिद्धौर प्रखंड है। पंचायत कौन सा? सेवा पंचायत, सेवा गांव का ये नाला आप देख सकते हैं। ये पूरा नाला का मजाक, नाला ऐसे बनता है क्या? आप नहीं बोलिएगा, नहीं बोलेंगे सिर्फ। गलत है या नहीं? गलत है ना। अब जरा सोचिए, सबको पता है कि गलत है। गलत अब यह नहीं है, तो आपको नहीं दिख रहा है? हमको तो दिख ही रहा है। इसका ये गलत नाला बना है, नहीं बना है? वो तो दिख रहा है। जरा सोचिए, कहीं ऐसे नाला देखा आपने? फट्टा के ऊपर बहुत जगह है। ऐसे फट्टा के ऊपर जो है बहुत जगह है भैया। चाचा नाला भैया है, अरे सरकार भ्रष्टाचार है तो बिल्कुल आप लोगों आप नहीं नहीं नंबर लेना सर। गलत बना क्या लग नहीं बना थी में ऐसे नाला कहीं शायद से मैंने नहीं देखा होगा, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि शायद से जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका वाले भी इस नाला को देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। डर लग रहा है तो ब्लॉक में क्या बोलेगा? क्योंकि ये नाला जो है अजूबा बनाया गया है। इसमें
है सबको पैसा गया होगा। जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं पैसा लेने के नाम पर, जेई से लेकर इंजीनियर तक, ठेकेदार के से लेकर नेता विधायक प्रतिनिधि तक, जिन जिन लोगों की सहभागिता इस नाले में है, सबको एक एक रुपया, दो दो रुपया, चार चार रुपए का घूस गया होगा। और इसी यही कारण है कि इस तरीके का नाला जो है बनाया गया है। ये देख सकते हैं लकड़ी के ऊपर जो है ढलैया की गई है। ये कितने दिन चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये बात तय है कि यह नाला जो है एक भी बारिश नहीं झेल पाएगा, और इसके ऊपर से गुजरने वाले लोग और यहाँ से गुजरने वाला वाहन जो है कहीं ना कहीं जैसे ही गुजरेगा तैसे ये नाला क्षतिग्रस्त हो जाएगा। यह स्थिति है नाला की, ये देखिए। और एक जगह नहीं, ऐसे जब आप चलते जाइएगा उधर तक और इसके बाद उधर से इधर तक चलते जाइएगा तो ये नाला आपको दिख जाएगा। भैया नाला अच्छा लग रहा? बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। बताइए इस तरीके से नाला बनता है कहीं? कई तरिया का इस्तेमाल हुआ है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। काहे डर रहे, बोल काहे नहीं रहे? तो बोलिए ना कि गलत हुआ है, गलत हुआ कि नहीं हुआ है? ऐसा नाला बनता है कहीं? नहीं बनता ना, फिर क्यों बन गया यहाँ पर? आपके पंचायत आपके घर के सामने आप लोगों ने विरोध नहीं किया ऐसे बन रहा था तो? कि रातों रात बन गया? जरा सोचिए ये स्थिति है, क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए, लेकिन ये स्थिति जैसे चाहिए है। भैया नाला अच्छा लग रहा है आपको? पूरा भारत में ऐसा हो रहा है। होना चाहिए ऐसा? सरिया का इस्तेमाल होना चाहिए था नहीं? जो बनाया गया उसी से वही जाने ना। चलिए फंड में आया नहीं आया वहाँ? 5 लाख रुपए में नाला बनाया गया भैया, वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ देखिएगा। 5 लाख रुपए से ये नाला बनाया गया है, और नाला बनाने की नई टेक्नोलॉजी भारत में आ गई है। अब जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, थाईलैंड, कर्नाटक सब वाले जो है विदेश वाले इस टेक्नोलॉजी को चुरा ले, इसलिए इसको इतना बढ़िया सेफ और सिक्योर सुरक्षा के तहत रखा गया। नहीं तो जापान वाले इस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को चुरा लेंगे तो फिर भारत का जो है बंटाधार हो जाएगा। बाकी बस इतना कहूंगा कि इस नाले की जाँच होनी चाहिए, और जमुई के जो है डीएम साहब से मेरा निवेदन है कि जमुई के डीएम साहब के धौर प्रखंड के सेवा पंचायत के सेवा गांव के रावत टोला में आइए और देखिए इस नाला की स्थिति है, और इसको देखकर आप लोग जज कीजिए कि नाला सही है या गलत है। नाला क्या इस तरीके से बनता है या नहीं बनता है? नाला क्या लकड़ी के फट्टे पर बनता है या सरिया पर बनता है, तो लोहे के छड़ पर बनता है, उसका जो है आप लोग पता लगाइए। देख सकते हैं ये नाला पूरा और पूरी ये स्थिति है। बाकी वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। अभी तक हम लोग इस चीज को दिखा रहे थे गिद्धौर प्रखंड के सेवा गांव के सेवा पंचायत से, सेवा गांव है सेवा पंचायत, और ये जिला जमुई है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।